नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है और ये क्या कुछ है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि पहले भी आपको इस तरह से अपडेट मिला हुआ है कि 94,000 शिक्षक भर्ती होना है बिहार में, तो उसके लिए क्या है डिफरेंट डेट का अनाउंसमेंट शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा हो गया है, इसको आप पूरा भी पढ़ लेना और बाकी मैं उस पॉइंट पर ले चलता हूँ जहाँ से सारा डेट वगैरह अनाउंसमेंट हुआ है। ये देखिए, ये वो कंप्लीट डेट्स वगैरह आ चुका है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। नियोजन संबंधी गतिविधि NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से आवेदन प्राप्त करना। मतलब ये हुआ कि जिन्होंने NIOS के द्वारा DLED किया हुआ है, ET किया हुआ है या CTET किया हुआ है, वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो अनाउंसमेंट होना है ये है 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का इसका टाइमिंग मिलेगा, इस बीच में अप्लाई कर सकते। दूसरा जो है मेधा सूची तैयार करना, ये रहेगा 18 जुलाई तक होगा आपका। ये मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन ये 21 जुलाई को होगा, ये आप देख सकते लिखा हुआ है। और मेधा सूची का प्रकाशन जो पब्लिकेशन होगा ये है 23 जुलाई को। और उसके बाद देख लेते हैं आगे, मेधा सूची पर आपत्ति ये 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच होगा, आपत्तियों का निराकरण 10 अगस्त होगा और मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त को। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण 25 अगस्त को होगा। आवेदन के साथ संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण ये 28 अगस्त को होना है। और चयनित अभ्यर्थियों सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे कि प्रमाण पत्रों की जांच एवं नियोजन पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर ये 31 अगस्त को दे दिया जाएगा। तो ये एक अधिसूचना जारी हुआ है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा और बाकी कंप्लीट जो इसके वेबसाइट पर भी आने वाला है जिसमें कि सारा सब कुछ होगा। तो जो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इसको, यदि आप एलिजिबल हैं इसमें इस पोस्ट के लिए, तो आप तैयार हो जाइए, 15 जून से आपका ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह के और भी अपडेट की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।